लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के समाधान तक भारत यूं ही नहीं पहुंचा और इसके लिए उसने चीन की कई मोर्चों पर एक साथ घेराबंदी की। गलवान घाटी की झड़प ऐसे समय में हुई थी जब दुनिया कोविड के पंजे में थी, आपको याद होगा, और इसी दौरान अलग अलग देशों के साथ भारत की उड़ानें बंद हुई थी। लेकिन चीन के साथ भारत ने अब तक सीधी उड़ान सेवा शुरू नहीं की है। चीन लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि यात्री विमानों का परिचालन फिर से शुरू किया जाए। पिछले महीने भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि दोनों देश जल्द नियमित उड़ानें शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उड़ानों के जरिए सीधे संपर्क पर रोक के अलावा भारत ने चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने में सख्ती बरतनी शुरू की। इससे भारत के कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन कंपनियों पर असर पड़ा क्योंकि चीन के विशेषज्ञ इंजीनियर्स का वीजा भी खारिज हो गया। हालांकि भारत ने इसकी बहुत परवाह नहीं की और कंपनियों की ओर से लगातार मिल रहे अनुरोध के बाद अब भारत ने चीन के जो टेक्नीशियंस हैं उन्हें वीजा देने में तेजी लाने का फैसला लिया है। इसके अलावा भारत ने 2020 में ही चीनी कंपनियों से भारत में आने वाले निवेश को लेकर जाँच की एक अतिरिक्त परत बढ़ा दी थी और इसे चीन की कंपनियों की ओर से भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण प्रयासों पर लगाम लगाने के रूप में देखा गया था। इसके कारण अरबों डॉलर का निवेश सरकारी मंजूरी के चरण में ही पिछले 4 सालों से अटका हुआ है। इनमें BYD और ग्रेट वॉल मोटर जैसी बड़ी कंपनियों का अरबों डॉलर का निवेश भी शामिल है। भारत ने डेटा और निजता का हवाला देकर चीन के 300 से ज़्यादा मोबाइल ऐप्स को अब तक देश में बैन किया हुआ है और इनमें भारत में बेहद लोकप्रिय ऐप टिकटॉक और चीन के स्वामित्व वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी क्राफ्टन इंक का लोकप्रिय मोबाइल गेम ऐप भी शामिल है। भारतीय जांच एजेंसियों ने चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो कम्युनिकेशंस पर वीजा नियमों के उल्लंघन और भारत से गैर कानूनी रूप से 1300 करोड़ डॉलर की राशि बाहर भेजने में की गई कार्रवाई की और चीन पर बेहद दबाव बना। इसी तरीके से चीन मोबाइल निर्माता शाओमी के 60 करोड़ डॉलर के फंड को भी जाँच एजेंसियों ने कानून के उल्लंघनों के आरोप में फ्रीज कर दिया। तो भारत और चीन के बीच जो LSE पर पेट्रोलिंग के लिए अग्रीमेंट हुआ है, अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब ब्रिक्स समिट में जा रहे हैं उससे पहले जब ये कदम उठाया गया है, LSE पर पेट्रोलिंग के लिए सहमति होने से दोनों देशों के बीच अब सीमा विवाद जो है अब और भी सुलझ सकता है और टकराव में कमी देखने को मिलेगी, जो एक बड़ी बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया से ये कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक मई 2020 में सीमा पर गतिरोध शुरू होने से पहले की तरह ही गश्त फिर से शुरू कर सकेंगे, पेट्रोलिंग कर सकेंगे। और इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने घोषणा की थी कि चीन हिमालय में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर चीन और भारत तैयार हो गए हैं और सैनिकों की वापसी और तनाव का समाधान अब हो सकता है। तो कितने कदम भारत को उठाने पड़े जिसके बाद चीन रास्ते पर आया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।